अस्सलाम वालेकुम। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था बीए बीएससी एडीपी के ग्रेस मार्क्स। तो स्टूडेंट कह रहे थे जी कि क्या एमए एमएससी वालों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है? तो एमए एमएससी वालों के लिए भी पॉलिसी है, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी के उनके साथ ये वाला चैनल शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे 100% ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो एमए एमएससी के ग्रेस मार्क्स रूल्स आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। नंबर वन, दो पॉइंट है। नंबर वन है ए कैंडिडेट हु फेल्स इन ओनली वन सब्जेक्ट और इन एग्रीगेट। आप लोगों को पता है सरगोधा यूनिवर्सिटी में थर्ड डिवीजन का जो है ना कोई रूल्स नहीं होते, यहाँ पे एग्रीगेट होता है। तो अगर आप लोगों का जो एग्रीगेट है या आप एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो पाँच मार्क्स से, फुल हद पाँच है, यानी कि एक से लेकर तीन मार्क्स, एक से दो तीन चार पाँच, अगर आपके छः मार्क्स कम है तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। पाँच मार्क्स फुल हद है, पाँच या पाँच से कम ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं वंस, एक ही दफ़ा, इधर इन पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट कम हो रहा है पाँच मार्क्स से, या आप अगर फर्ज किया आपकी पाँच बुक्स हैं, आपकी चार बुक्स पास हो गई हैं, आप जो पाँचवीं बुक्स है, पाँचवीं जो बुक है ना उसमें आपके मार्क्स जो है ना वो आ गए हैं 35, ठीक है, तो आपको पाँच मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स होते हैं 40% एमए एमएससी में। तो आप लोगों को पाँच मार्क्स दे के 40 और वो एग्रीगेट दूसरे सारे के साथ मिला के आप लोगों को पास कर दिया जाता है। बाकी इंशाल्लाह दो तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सरगोधा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एमए एमएससी वाले, यानी कि पासिंग मार्क्स, एग्रीगेट, ठीक है। इनके ऊपर जो है ना आप लोगों के साथ डिटेल से वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह वो वीडियो लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन और कितने आप पेपर छोड़ सकती हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। तो दूसरा रूल है अ कैंडिडेट हु मिसेस फर्स्ट डिवीजन बाय 5 मार्क्स, या आप लोग एग्रीगेट उसमें आपके कम है तो आप लोगों को 5 मार्क्स दे दिए जाते हैं। यानी कि अगर फर्ज किया आप लोगों की फर्स्ट डिवीजन बन जानी थी लेकिन 5 मार्क्स कम है तो आपको यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स ऐड करके आपकी फर्स्ट डिवीजन बना देती है। अगर आपका एग्रीगेट कम हो रहा है 5 मार्क्स से, यानी कि 5 मार्क्स मिल जाए तो आपका एग्रीगेट 45% हो जाता है, तो वो 5 मार्क्स आपको एज अ ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ये रूल्स हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल, ठीक है, ये आप लोगों को 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। बाकी बीए बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी वीडियो अपलोड हो गई है ग्रेस मार्क्स को लेकर सरगोधा यूनिवर्सिटी की, ये सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल की जानिब से आप लोगों के लिए अपडेट है। ये बीए बीएससी एडीपी के लिए है और ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये एमए एमएससी वालों के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को ताकि जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं परेशान हैं वो स्टूडेंटों को भी हेल्प हो जाए। और स्टूडेंट्स लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले और 100% ऑफिशियल लेने के लिए सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।